मेरा सवाल ये है कि इमरान खान कहते हैं कि वे कश्मीर मुद्दे पर किसी भी हद तक जाएंगे, तो जरा किसी एक हद का नाम भी बता दे जो उन्होंने पूरी करके दिखाई है। आज मुजफ्फराबाद के जलसे में भी उन्होंने फिर से हदों को दोहराने से ज्यादा कुछ नहीं किया। वैसे पंजाबी में एक कहावत है कि जिसका बाबा ऊपर होता है शर्ते वही रखता है, इसलिए भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को ठुकरा दिया है और पीओके पर ही बात करने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त इमरान खान का बाबा जमीन पर पड़ा हुआ तहमत झाड़ रहा है। सवाल यह भी है कि इमरान खान ने जलसे में बकलोली करते हुए कहा है कि अगर पीओके पर भारत ने कोई कार्रवाई की तो वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तानी भी जरूर उनसे यही पूछ रहे हैं कि कश्मीर पर भी वह यही कहते थे, इमरान खान के वे पत्थर अब कहां चले गए, क्यों भारत को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जा रहा है। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो इमरान खान के पास पत्थर ही नहीं रहे हैं या फिर उनके पत्थर इतने भारी हैं जिन्हें इमरान खान अपने कंधों पर नहीं उठा पा रहे हैं। बात यह भी है कि अब मुजफ्फराबाद में गधैया नर्तक करके हासिल क्या हो रहा है, कंगाल पाकिस्तान के 4 करोड़ रुपए जलसे में फूंक कर क्या हासिल हुआ, क्या भारत से कश्मीर मिल गया या फिर भारत ने बोल दिया कि इमरान खान का गधैया नर्तक जबरदस्त था, वह पीओके पर कार्रवाई नहीं करेगा। कहते हैं जब पाकिस्तानी मदरसे में बच्चा तालीम लेने जाता है वह नई टोपी और तैमंद के 2 जोड़े रखता है, जो एक जिहाद के वक्त पहनता है, दूसरा पाकिस्तान की राजनीति में आने के दौरान। ऐसा हम नहीं कहते, पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर फवाद चौधरी खुद ये सब कहते हैं कि पाकिस्तानी मदरसों से सुसाइड बॉम्बर पैदा होते हैं। इमरान खान भी एक बॉम्बर ही है जो पाकिस्तान में इतनी बार फट चुका है कि इसने सारे पाकिस्तानियों की फाड़ कर रख दी है। फाड़ने के साथ उधेड़ी भी है जिसकी सिलाई बड़ी मुश्किल है, पर यह यहां तक रुकेगा इसमें संदेह है। आज के जलसे से इसने साबित कर दिया है कि इसे कश्मीर से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि असली मकसद महंगाई, बेरोजगारी और गोते खा रही अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाने का है। सवाल यह भी है कि सरकारी खर्च पर हुई इस रैली से दुनिया को क्या फर्क पड़ा, अपने घर में रैली करे या गधैया नर्तक, इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है। इसका हश्र ठीक ऐसा ही हुआ जैसे जुमे के रोज एहतियाज का हुआ है। इमरान का यह हथकंडा तो पहले दिन ही धूल चाट गया था। बड़ी बात यह है कि इस रैली में भागीदारी करने वालों में पीओके के लोगों की बजाय पंजाबी मुसलमानों का वर्चस्व था। फिर यह रैली कश्मीरियों की कहां हुई, तारीख दर तारीख लगते हुए आर्टिकल 370 हटे 1.5 महीना हो चुका है। इमरान सरकार ने बहुत सारे पैंतरों का इस्तेमाल किया, पर इसका विश्लेषण क्यों नहीं किया कि दुनिया उसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। हर मंच पर ही भारत की बातों को प्रमुखता दी जाती है। जिस दिन इमरान खान यह समझ लेंगे वे ऐसे भोंडे प्रदर्शन नहीं करेंगे। वे राजनीति के नौसिखिया हैं। पाकिस्तानी मदरसों का साया रोज उनका पीछा करता है। भारत ने यहां तक आने के लिए सालों परिश्रम किया है। दुनिया एक जिम्मेदार और गंभीर राष्ट्र के रूप में भारत को देखती है। हदें तब तैयार की जाती है जब लक्ष्य होता है, लक्ष्य तब बनते हैं जब आत्मविश्वास मजबूत होता है, और आत्मविश्वास तब मजबूत बनता है जब सोच में ईमानदारी होती है। इमरान खान को कश्मीर से नहीं कराची की फिक्र अधिक है, जहां धारा 149 लगाकर वह उसे अपने अधिकार में लेने की चालें चल रहे हैं। उन्हें 13 अक्टूबर को FATF की उस बैठक की भी फिक्र नहीं जहां पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाना है। उन्हें फजलुर रहमान के उस धरने की भी चिंता नहीं है जो उनकी सरकार के खिलाफ अगले माह शुरू होना है। उन्हें 11% महंगाई, 9% बेरोजगारी, ₹158 प्रति डॉलर पर पहुंचे पाकिस्तानी रुपए से भी मतलब नहीं है। इन सब से बचने के लिए उनके पास कश्मीर मुद्दा है। तभी तो पाकिस्तानी संसद में जब आरिफ अलवी के भाषण पर लात घूंसे चल रहे थे वह मुस्कुरा रहे थे। इमरान खान जानते हैं मदरसा छाप कौम की तस्वीर पर चांद का लेबल कैसे चिपकाया जाता है, वे उसी के भरोसे तो मुस्कुराते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि यह मुद्दा इमरान खान कितने दिन और चला पाएंगे। अब खुद पाकिस्तान ही इसे भूल जाना चाहते हैं। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच जरूर इमरान की बकलोली का गवाह बन सकता है। उसके बाद तो जनाब को लौटकर वहीं आना है जहां इन्होंने बॉम्बर बनाकर गड्ढे किए हैं। मतलब कहीं ऐसा ना हो जो गड्ढे नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और सनाउल्लाह राणा जैसे लोगों के लिए खोदे थे, इमरान को उन्हीं में ही दफनना कर दिया जाए। क्योंकि 10 लाख घरों की उम्मीद में लोग अभी तक बाहर खड़े हैं। 1 करोड़ नौकरी की आस में युवा तहमंद फाड़ चुके हैं।
भैंसे जुगाली छोड़ चुकी है और मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया है। मतलब चारों तरफ एक ऐसा तबका तैयार हो रहा है जो इस्लामाबाद में गधैया नर्तक करने को काबू से बाहर हुआ जाता है। यानी अभी तक इमरान खान तब्दीली तब्दीली के ढिंडोरे पीटते थे, अब शायद पाकिस्तानी जनता भी तब्दीली चाह रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि उनकी तस्वीर पर जो चांद का लेबल इमरान खान ने चिपकाया था उसकी गोंद भी नकली थी और जिसे वह चांद समझ रहे थे दरअसल वह एल्यूमिनियम का कटोरा था जिसे भीख मांगने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।